सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवताम भवतीनां च आर्दम स्वागतम। मित्रों, त्रैमासिकम संस्कृत शिक्षण की इस लाइव कक्षा श्रृंखला में आज हम 34वीं कक्षा को पढ़ेंगे, 34th को पढ़ेंगे। और मित्रों, इस कक्षा का उद्देश्य है कि 3 मास में हम प्रत्येक संस्कृत पढ़ने के जिज्ञासु को बिना किसी पुस्तक के सहयोग से शुद्ध संस्कृत को लिखना और पढ़कर के समझना तथा बोलना सिखा सकें। कोई भी जिज्ञासु संस्कृत पढ़ने का बिना पुस्तक आदि के इस YouTube चैनल पर आकर के 3 मास के अंदर संस्कृत भाषा को पढ़ना लिखना और बोलना सीख जाए। फिर और इसके आगे के कोर्स आप सभी के लिए तैयार हैं। तो पहले आपको सामान्य नियम और सामान्य संस्कृत भाषा को इस कोर्स के माध्यम से सिखाया जा रहा है। यह कोर्स 15 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक के व्यक् ति, कोई भी व्यक्ति 15 वर्ष की आयु से लेकर के 100 वर्ष की आयु तक कोई भी स्त्री अथवा पुरुष इन कक्षाओं को आरंभ से पढ़ेंगे तो 3 मास में अच्छी संस्कृत भाषा को वो सीख जाएंगे। अब हमारा एक उद्देश्य है कि हम 1 करोड़ लोगों के परिवार में संस्कृत भाषा को पहुंचा दें। यहां पर 1 करोड़ लोग अपने परिवारों में थोड़ी थोड़ी संस्कृत को बोलना सीख लें, थोड़ा आपस में वार्तालाप करना सीख लें। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी उपलब्धि हो जाए तो कम नहीं है। तो इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मित्रों, आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभी इस कक्षा को निरंतर शेयर करते रहिएगा। अपने मित्रों को भी कहिएगा कि आप 3 महीने पढ़ लीजिएगा, कोई फीस नहीं देनी है, आप कुछ भी नहीं करना है, बस पढ़ लीजिएगा 3 महीने, संस्कृत माता को आप भी सीख जाएंगे। आप अपना कार्य करते रहिएगा, नौकरी करते रहिएगा, घर के जो भी कार्य उनको करते रहिएगा। और ये कोर्स ऐसा है कि आपके लिए यहाँ ओपन है प्लेलिस्ट में, जब चाहें तब आप पढ़ सकते हैं। निःशुल्क है, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, आपसे कोई फीस नहीं ली जाती है। बस आप आइएगा, पढ़िएगा, एक कॉपी खरीद लीजिएगा, एक पेन खरीदना, क्या आपके घर में ही होगा कॉपी पेन? तो बस कॉपी और पेन चाहिए। चलिएगा, आज ये 34वीं कक्षा को हम पढ़ते हैं। और यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर लीजिएगा, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। और वो सहयोग करने के आपसे कोई चार्ज नहीं होते हैं। हमारा पूरा ये अभियान, पूरा इवेंट है, वो पूरा टोटली फ्री फ्री फ्री, ठीक है? चलिएगा, आइएगा। गत कक्षा में मैंने आपको ये नियम पढ़ाए थे, 2 नियम पढ़ाए थे। 28वां नियम पढ़ा दिया था आपको, सर्वनाम और विशेषण वाला, और एक नियम पढ़ाया था कि अपादान कारक का, ठीक है? तो ये अपादान कारक का पंचमी व्यक्ति होती है, मैंने समझा दिया था, ठीक है? और थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। पंचमी के नियम और भी हैं। आज की कक्षा में आपको मैं नियम नहीं पढ़ाऊंगा, नियम आगे की कक्षा में पढ़ाऊंगा। अब एक मुख्य कुछ कार्य करना है, वो आपको करना है। मैंने आपको कई सारी धातुओं के 5-5 लकार के रूप लिखा रहा हूं, एक एक करके, ठीक है? परंतु एक क्री धातु है, क्री जो टू डू के अर्थ में होती है, करना, जो कि मैंने आपको पहले इसका लट लकार का रूप आपको स्मरण करा दिया है, जो आपको ध्यान होगा कई कक्षा पूर्व मैंने आपको क्री धातु का लट लकार का रूप याद कराया था। क्री धातु का प्रयोग, क्री धातु को ध्यान देंगे, क्री धातु का प्रयोग संस्कृत भाषा में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है? क्री धातु के सहयोग से मानिएगा हम संस्कृत के 99% वाक्यों को बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस वाक्य को, इसलिए मैं आपको ये आज की कक्षा में केवल यही कराना है मुझे। संस्कृत के 99% वाक्यों का निर्माण क्री धातु के सहयोग से
हो सकता है और होता है, ये ध्यान देंगे। आपको अन्य धातुओं के रूप याद नहीं है तो आप झट से क्री धातु के द्वारा उसका अपना वाक्य बना करके अपनी बात को दूसरे के लिए प्रस्तुत करने में समर्थ हो जाएंगे। इसलिए क्री धातु के पांच लकारों का रूप याद करना परम आवश्यक है, ठीक है, परम आवश्यक है, परम आवश्यक है, ठीक है। आइएगा, मैं आज आपको अभी कुछ ये रूप याद कराऊंगा, कुछ सेंटेंस, और आगे आपको इसका अभ्यास करके बताना है कि आप इससे ही बहुत सारे वाक्यों को बना सकते हैं। दूसरी धातुओं के रूप आपको याद नहीं है तो आप धड़ल्ले से इसी से बनाइएगा, ठीक है। तो मित्रों मैंने आपको ये लट लकार के, क्योंकि जो ये जो क्री धातु का रूप है, ये जो मैंने आपको संक्षिप्त प्रत्यय बताए थे उनके द्वारा नहीं बन सकता, इसका पूरा अलग ही होता है, इसका पूरा अलग ही रूप होता है, उन संक्षिप्त प्रत्ययों को जोड़ करके इसका रूप नहीं बनता है, इसलिए आपको ये याद करना ही होगा। चलिएगा, आज की पूरी कक्षा इसी धातु के रूप के लिए समर्पित है, ठीक है। क्री धातु का अर्थ क्या है? करना, ये आपको मैंने बता दिया था। क्या अर्थ है जी क्री का? क्री का है करना, आप ये भी कह सकते हैं इसको टू डू, करने के अर्थ में प्रयोग होती है, ठीक है। आइएगा, लट लट लकार ये किस काल में होता है? वर्तमान काल में, वैसे तो हमने बता ही दिया है क्या है लट लकार, कहां होता है? वर्तमान काल की क्रिया को कहने के लिए, ठीक है, वर्तमान काल की क्रिया को कहने के लिए लट लकार होता है। चलिए, लट लकार का वैसे मैंने आपको रूप याद करा दिया है, परंतु फिर आज आपको कराना है पांचों लकारों के रूप आज कराने हैं, आज, ठीक है, तैयार हो जाइएगा, पहले लिखिएगा फिर मैं इसके आपको उच्चारण कराऊंगा। लट लकार लिखिए, ये प्रथम पुरुष के होंगे, सेकंड पर्सन के, मतलब मध्यम पुरुष, ये उत्तम पुरुष, और ये एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। चलिए, करोति कुरुताः कुर्वन्ति करोषि कुरुताः कुरुता करोमि कुर्वाः कुर्माः चलिएगा, ये लट लकार हो गए, आप लोट लकार में आ जाइएगा। लोट लकार किस अर्थ में होता है? आज्ञा अर्थ में अथवा आदेश देना अर्थ, ठीक है। लिखिएगा, करोतु कुरुताम कुर्वन्तु रु 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 ह्रस्व उ, ठीक है। ये इसको कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको कैसे लिख देते हैं? ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, ये गलत है, ये बड़ दीर्घ है, ठीक है। दीर्घ नहीं लिखना है आपको, ठीक है, ध्यान देंगे। ये गलत है, ये वाला यहां पर कुरु कुरुतम कुरुता
करवाण करवाव करवाम चलिएगा, आप लंग लकार में आ जाइएगा। लंग लकार किस काल में होता है? भूतकाल की क्रिया को कहने के लिए, ठीक है। अकरोत् अकुरुताम् अकुर्वन् अकरोः अकुरुतम् अकुरुता अकरवम अकुर्वा अकुर्मा चलिएगा, ये हो गया आपका लंग लकार। आगे आपका विधिलिंग। विधिलिंग लकार होता है वो किस अर्थ में होता है मित्रों? चाहिए अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है बोलो? चाहिए अर्थ। कुर्यात् कुर्याताम् कुर्युः कुर्याः कुर्यातम् कुर्यात् ये रहा है ऊपर रहा ऊपर ठीक है। कुर्यात् ये ध्यान देंगे यहां पर पूरा ता है ये असहित असहित बोलना है आपको। कुर्याम यहां हलंत है मां जहां हलंत है वहां हलंत बोलना है। कुर्याम कुर्याव कुर्याम अब अंतर देखिएगा, यहां तो ये हलंत है और यहां पर ये पूरा है तो इसके उच्चारण में अंतर रखना पड़ेगा आपको। इसको बोलेंगे कुर्याम और इसको क्या बोलेंगे? कुर्याम मा यहां पर आ बोलना है अंत में और यहां बोलना है मा। कुर्याम और कुर्याम ऐसे अंतर आना चाहिए ठीक है। मैं आपको टोक टोक के बता रहा हूं
कि गलती ना हो जाए आपसे। चलिएगा, ये तो आपका हो गया विधिलिंग लकार का, ठीक है। अब आ जाइएगा लृट लकार। लृट लकार होता है भविष्यत काल की क्रिया को कहने के लिए, अर्थात फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए। आइएगा लिखिएगा, करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति करिष्यसि करिष्यतः करिष्यतः करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः। ठीक है, मैं थोड़ा धीरे धीरे इसलिए बोलता हूं क्योंकि हर प्रकार का व्यक्ति लिख ले, तो कुछ बड़ी आयु के हैं हमारे वृद्धजन हैं तो वो थोड़ा धीरे लिख पाते हैं, कुछ हमारे यंग मैन हैं वो जल्दी से लिख लेते हैं, कुछ हमारे बालक आयु के होंगे, ठीक है, बालक छोटे 15 साल के, वो और थोड़ा धीरे लिखते होंगे, तो सब लोग लिख लें इसलिए थोड़ा धीरे बोलता हूं। ठीक है, चलिएगा, ये आपको मैंने लिखा दिया है, ठीक है, ये लिखा दिया, आपको बता भी दिया। अब इसका रूप आपको बहुत ही मतलब आपको याद करना पड़ेगा, रट लीजिएगा इसको, उस चीज तो रटनी पड़ेगी आपको, ठीक है, रटनी पड़ेगी। मैं आपको यहां पर अभी 4-5 बार बुलवाऊंगा, ठीक है, आप मेरे साथ बोलते रहिएगा, ठीक है। पहले आपको ये बता देता हूं कि इसका अर्थ कैसे क्रियापदों का हम करेंगे, ठीक है। जैसे करोती, करोती माने करता है, करोती माने करता है, कोई ये थर्ड पर्सन की है तो करता है, कोई व्यक्ति करता है, कोई स्त्री करती है, कोई भी करता है, ठीक है। और कुरुतः, कुरुता का अर्थ है कोई दो करते हैं, ठीक है, किसी काम आदि को। कुर्वंती, कुर्वंती माने बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे करते हैं, ठीक है। करोषी माने तुम अकेले करते हो। कुरुतः माने तुम दो करते हो, मध्यम पुरुष है ये। और कुरुथा माने तुम सब करते हो, ठीक है। करोमी माने मैं अकेला करता हूं, ठीक है। कुर्वः हम दो करते हैं, माने हम दो करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो बताएंगे आपको, कुछ भी हो सकता है, पढ़ना करते हैं, भोजन करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जाना करते हैं, भ्रमण करते हैं, श्रवण करते हैं, ठीक है। कुर्मः माने हम सब करते हैं, देखिए करते हैं वर्तमान अर्थ आ रहा है, ठीक है, चलिएगा। ऐसे ही लोट में देखिएगा, लोट में क्या अर्थ निकल के आएगा, करोतु, करोतु माने वह करे, वह करे। कुरुताम माने वे दोनों करें। कुर्वन्तु माने वे सब करें, तो वे सब के मैं वे तो हमको वे के लिए तो मैं शब्द लगाना पड़ेगा ना अलग से, पर माने यहां कुर्वन्तु का अर्थ क्या है, सब करें, ठीक है, सब लोग वे करें थर्ड पर्सन में। कुरु, कुरु का अर्थ है तुम अकेले करो। कुरुतम तुम दोनों करो,
तुम सब करो, ठीक है। करवाणी माने मैं अकेला करूं, ठीक है। करवावा हम दोनों करें, करवामा माने हम सब करें, ठीक है। तो इसमें यहां पर थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि अपने आप माने हम सब करें, करें यहां पर भी आज्ञा अर्थ में माने हम सब करें, ठीक है, हम दोनों करें, मैं करूं, ठीक है। इस प्रकार से यहां आज्ञा रूप आ जाता है, ठीक है। अब भूतकाल में देखिएगा, माने किया, ठीक है, एक व्यक्ति ने कुछ किया। एक व्यक्ति का मतलब है कोई एक, चाहे स्त्री हो सकती है, पुरुष भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। अकुरुताम माने दो ने किया, अकुर्वन माने दो से अधिक ने किया, माने बहुत सारों ने किया। अकरोह, अकरो माने तुमने किया, अकेले ने। अकुरुतम तुम दोनों ने किया। अकुरुता तुम सबने किया। अकारवम माने मैंने किया, अकेले ने किया, भूतकाल। अकुर्वा तुम दोनों ने किया, हम दोनों ने किया, सॉरी तुमने, हम दोनों ने किया। अकुर्मा और हम सबने किया, ठीक है। कभी कभी ध्यान चूक जाता है, ठीक है, कभी इधर देखता रहता हूं तो कुछ अलग भूल जाता है, माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। चलिए, तो अकुर्मा ने हम दोनों ने किया और अकुर्मा ने हम सब ने किया। ये तो हो गया लोट का, वो लंग का। अब आ जाइएगा विधलिंग का। विधलिंग में क्या होता है, कोई भी क्रिया में चाहिए अर्थ आ जाता है पीछे। क्री का अर्थ है करना, चाहिए पीछे जुड़ जाएगा तो क्या निकल गया, करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कैसे अर्थ निकलेगा, कुर्यात, कुर्यात का अर्थ है उसे करना चाहिए, ठीक है, उसे करना चाहिए, इसे करना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, चाहिए में करना चाहिए। कुर्याताम माने उन दोनों को करना चाहिए, इन दोनों को, मैं थर्ड पर्सन है कोई, उनको दोनों को करना चाहिए। कुर्युः माने सबको करना चाहिए, ठीक है, सबको माने थर्ड पर्सन वाले। अब मध्यम पुरुष में कुर्याः तुम्हें अकेले को करना चाहिए। कुर्यातम तुम दोनों को करना चाहिए। कुर्याता तुम सबको करना चाहिए। कुर्याम माने मुझे अकेले को करना चाहिए। कुर्यावा हम दोनों को करना चाहिए। कुर्यामा हम सबको करना चाहिए, ठीक है। ये तो चाहिए अर्थ आ गया। अब भविष्यत काल में लिट लकार, ठीक है, लिट लकार में देखिएगा, करिष्यति, करिष्यति माने करेगा, करेगा, करेगा या करे, करेगी, तो दोनों में आ जाएगा, करेगा, करेगी, ठीक है। स्त्री होगी तो करेगी हिंदी में, और पुल्लिंग होगा तो करेगा, ठीक है, नपुंसकलिंग होगा तो भी करेगा, ठीक है। तो संस्कृत में तो क्रिया तो समान होती है, लिंग का, लिंग का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता है। करिष्यतः माने दो करेंगे, ठीक है। करिष्यन्ति माने सब करेंगे। करिष्यसि तुम अकेले करोगे। करिष्यथाः तुम दोनों करोगे। करिष्यथा तुम सब करोगे। करिष्यामि मैं अकेला करूंगा। करिष्यावः हम दोनों करेंगे। और करिष्यामः माने हम सब करेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो ये मैंने आपको यहां अर्थ बता दिया, अर्थ इसलिए बता दिया जिससे आप वाक्य बना सकें। अगली कक्षा में मैं आपको इसके लिए कम से कम 50 वाक्य बनाऊंगा। अगली कक्षा में मैं आपको इसी क्री धातु के 50 वाक्य बना के दिखाऊंगा और कुछ नियम भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अब इसका मेरे साथ आप पांचों लकारों का कुछ बार रूपों का उच्चारण कर लीजिएगा लगातार, ठीक है। चलिएगा, बोलिएगा मेरे साथ, ठीक है। लट करोति कुरुताः कुर्वन्ति
करोषि पुरोथः पुरोथा करोमि पूर्वः पूर्मः। फिर दोबारा बोलिएगा, करोति पुरोथः पूर्वन्ति करोषि पुरोथः पुरोथा करोमि पूर्वः पूर्मः। करोति पुरोथः कुर्वन्ति करोषि पुरोथः पुरोथा करोमि कुर्वः कुर्मः। याद हो गया, आपको भी याद हो गया होगा। चलिए दो बार और बोलिएगा, करोति पुरोथः कुर्वन्ति करोषि पुरोथः पुरोथा करोमि कुर्वः कुर्मः। ठीक है, करोति कुरुतः कुर्वन्ति करोषि पुरोथः पुरोथा करोमि कुर्वः कुर्मः। चलिए बिना देखे बोल देता हूं मैं, करोति कुरुतः कुर्वन्ति करोषि पुरोथः पुरोथा करोमि कुर्वः कुर्मः। अब तो याद होना चाहिए, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा और आए। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती, मेरे को तो याद है पहले से। ठीक है, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को तो याद है पहले से, इसलिए मैंने तो आपको बिना देखे बोल दिया। हो सकता है आपको और थोड़ा सा बोलने में याद हो जाएगा, पक्का पक्का याद कर लीजिएगा। चलिएगा लोट लकार में आ जाइएगा, लोट करो तो पुरुताम कुर्वन्तु पुरु पुरुतम पुरुता करवाण करवाव करवाम। करोतु पुरुताम कुर्वन्तु पुरु पुरुतम पुरुता करवाण करवाव करवाम। करोतु पुरुताम कुर्वन्तु पुरु पुरुतम कुरुता करवाणि करवाव करवाम। करोतु पुरुताम कुर्वन्तु करु कुरु कुरुतम कुरुता करवाणि करवाव करवाम। करोतु पुरुतम कुरुताम कुर्वन्तु कुरु पुरुतम पुरुता करवाणि करवाव करवाम। पांच बार बोल दिया जी। ठीक है, चलिए अब आ जाइएगा लंग लकार में, अकरोत अकुरुताम अकुर्वन् अकरोह अकुरुतम अकुरुता अकरवम अकुर्व अकुर्म अकरोत् अकुरुताम अकुर्वन् अकरोह अकुरुतम अकुरुत अकरवम अकुर्व अकुर्म। बोलिएगा, अकरोत् अकरु अकुरुताम अकुर्वन् अकरोह अकुरुतम अकुरुत अकरवम अकुर्व अकुर्म। चलिएगा तीन बार होगा, दो बार और बोलिएगा, अकरोत अकुरुताम अकुर्वन् अकरोह अकुरुतम अकुरुत अकरवम अकुर्व अकुर्म। ठीक है, चलिएगा लास्ट टाइम, अकरो अकुरुताम अकुर्वन् अकरोह अकुरुतम अकुरुत अकरवम अकुर्व
अकुर्मा, ठीक है जी, याद हो जाएगा, आनंद चिंता मत कीजिए, हो जाएगा, चलिएगा, आइएगा विदलिंग में आ जाइएगा आप। कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम, कुर्यात, यह अंतर कीजिएगा, कुर्यात ये तकारांत है और कुर्यात ये पूरा त सहित आ है, आप एक जैसा मत लिख दीजिएगा, दोनों का अंतर है जी, ठीक है। कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम, बोलिएगा, कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। चलिए कितनी बार हो गया जी, एक दो तीन, तीन बार हो गया, दो बार और है, चलिए। कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम, ठीक है। यहां आपको विशेष ध्यान रखना है, ये तकारांत है और ये अकारांत है, ये मकारांत है और ये अकारांत है, एक जैसा उच्चारण मत कर दीजिएगा। कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम, चलिएगा। पांच बार बोला मैं तो, पांच पांच बार, एक और आ जाइए, लिट लगा जल्दी से, चलिएगा। लिट लकार भविष्यत काल में होता है जी, ध्यान रखिएगा, भविष्य अपना सुंदर बनाना है हमको, ठीक है, इसलिए अच्छी प्रकार से इसको याद कर लेना है। करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। एक बार और बचा है, प्रभु का नाम लेकर के लगा दीजिएगा ताकत। करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः, ठीक है। ये आपको क्री धातु के पूरे पांच लकार के रूप याद कर लेने, बस इससे बहुत आपकी संस्कृत बोलने के लिए बहुत कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। संस्कृत संभाषण के लिए इसके पांच लकारों के रूप अति आवश्यक है, अति आवश्यक। चलिए अगली कक्षा में लगभग 50 वाक्य में आपको स्त्री धातु के साथ बना करके प्रस्तुत होऊंगा और पंचमी के नियमों को आपको पढ़ाऊंगा। मेहनत करते रहिएगा मित्रों, आपसे अधिक मेहनत मैं कर रहा हूं, परंतु आपको मेरे से अधिक मेहनत करनी चाहिए, और करने कुछ पाठक कर भी रहे होंगे, करेंगे तो आप संस्कृत को अच्छी प्रकार से सीख जाएंगे। मैं तो अपने पढ़ाने में कुछ भी कमी नहीं छोड़ रहा हूं,
पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से परिश्रम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक पढ़ा रहा हूं। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों, और संस्कृत के इस अभियान से अपने आसपास के लोगों को जोड़ते रहिएगा और संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहिएगा, अपने घर में अपने बालक और बालिकाओं को और अपने सगे संबंधियों को मित्रगण को सबको इस संस्कृत के अभियान से जोड़ दीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।